हाय, दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारा चैनल बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है, पर किसी ने भी वो बेल आइकन नहीं दबाया है। अभी वो बेल आइकन दबाना इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं कभी वीडियो डालता हूँ। आप लोगों को, इन शॉर्ट, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे सब्सक्राइब आइकन आता होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन होता है तो वो बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं इन फ्यूचर वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का वीडियो भी अगेन मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जैसे मैं दो तीन वीडियो से करते आ रहा हूँ। मुझे आप लोगों का बहुत सारा रिप्लाई आ रहा है कि सर ये बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हमारे वीडियोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर भी है वो देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर है वो लोग भी देखते हैं। तो ये दो पार्ट डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ना कि ट्रेडर्स को भी जो चाहिए वो मिल जाएगा और जो इन्वेस्टर्स को भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग ने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक टाटा केमिकल करके एक स्टॉक है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों ने देख लिया कि वो फ्राइडे को हमारे टारगेट को भी टच हो गया। तो ये जो स्टॉक्स है टाटा केमिकल, जैसे मैं आप लोगों के साथ हमेशा जो शेयर करते रहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग बाय करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है, जैसे लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा कि हमारा वो जो ट्रेडिंग वाला स्टॉक था CDSL हो गया, फिर फिनोलेक्स केबल हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो लोग ने भी अच्छा परफॉर्म किया जो हमने ट्रेडिंग वाले पार्ट में रखे थे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ऐसे कुछ स्टॉक शेयर करूंगा जो अगेन मंडे से लेके फ्राइडे तक कभी भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और हाँ, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक भी बन रहा है जो शायद आपको ट्रेडिंग वाला भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ अगेन वापस से वो स्टॉक शेयर करूंगा जो आने वाले वीक में 6 महीना या 4 महीने के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि वो स्टॉक्स कौन से हैं। तो जो पार्ट वन है वो हमारा ट्रेडिंग स्टॉक का है, और ट्रेडिंग स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है हमारा ग्लोबल स्पिरिट। अभी ग्लोबल स्पिरिट का जो ब्रेकआउट है ऑलरेडी 200 के ऊपर हो गया था बहुत टाइम पहले ही, पर मैंने वो ब्रेकआउट एक्चुअली मिस कर दिया था। अभी ग्लोबल स्पिरिट में मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है कि अगर ग्लोबल स्पिरिट 355, मतलब आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो एक अच्छी रैली लेने के बाद ग्लोबल स्पिरिट अगेन एक कंसोलिडेट कर रहा था एक जोन में। अभी यही सेम चीज़ मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को CDSL में भी बताया था लास्ट वीडियो में। अभी ग्लोबल स्पिरिट अगर 355 को ब्रेक करता है तो मेरा जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 445 है, और अगर इसने 355 ब्रेक करने के बाद वापस से 320 को ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा। तो आने वाले वीक में सबसे पहला जो ट्रेडिंग स्टॉक है हमारा वो ग्लोबल स्पिरिट रहेगा। दूसरा जो मेरा स्टॉक है उसका नाम है सुमिटोमो केमिकल। अगर आप सुमिटोमो केमिकल का ये जो डेली चार्ट देखोगे, ये 316 से लेके 259 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी मेरा सुमिटोमो में ट्रेड क्या रहेगा कि अगर ये अपसाइड ब्रेक करे या डाउनसाइड ब्रेक करे, मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सी साइड ब्रेक करेगा, पर जिस हिसाब से इसका चार्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे बन रहा है, आप जो देख रहे हो ये वीकली चार्ट है, अभी मैं आप लोगों को अगेन डेली चार्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड रेंज ब्रेक करेगा। तो अगर ये 316 ब्रेक करेगा तो इसमें मेरा नेक्स्ट टारगेट है 380, और 316 ब्रेक करने के बाद ये 290 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है अंबिका कॉटन मिल्स। अगर आप ये चार्ट को देखोगे तो अगेन ये डेली चार्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस से यही रेजिस्टेंस पे आया, अगेन ये रेजिस्टेंस पे आ रहा था। पर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे स्टॉक रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यू ज़्यादा टाइम ट्रेड कर रहा था तो ये ज़्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रहा था। तो अंबिका कॉटन में मेरा ट्रेड बहुत ही सिंपल है, अभी मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाता हूँ। इसने ऑलरेडी 790 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, अगर ये 790 के पास वापस आएगा तो मैं बाय करूंगा, और अभी ये 811 चल रहा है। इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 940 दिख रहा है, अगर ये स्टॉक ने 730 ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। आप अगर वापस यहाँ पे देखो अंबिका कॉटन का डेली चार्ट, इसने कितने बेहतरीन लेवल से कंसोलिडेट किया है, और रिसेंटली जो लास्ट में जो इसका वॉल्यूम हुआ था वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अंबिका कॉटन मेरे लिए नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है सन फार्मा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि हमारे पास एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडिंग रिलेटेड भी काम आ सकता है आने वाले वीक में, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी काम आ सकता है। अभी आपको सन फार्मा में एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि सन फार्मा को पहले 536 लेवल पे एक रेजिस्टेंस था। बहुत टाइम पहले सन फार्मा ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक तो अच्छे से किया था, पर अगेन सन फार्मा ने ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल में एक अच्छा खासा फॉल दे दिया था जो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो। अभी सन फार्मा ने वापस से 565 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया है। तो सन फार्मा में मेरा ट्रेड ये रहेगा कि अगर ये 562 के ऊपर रहता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, मतलब अगर आप इसको ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 600,
उसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 540 का। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ले रहे हो तो मेरा जो टारगेट है 562 के ऊपर वो 700 का है, और इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 510 का। अभी ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे आने वाले वीक में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और सन फार्मा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा लग रहा है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है मार्क्सन फार्मा। तो मार्क्सन फार्मा का आप चार्ट देख सकते हो बहुत ही क्लियरली, ये मार्क्सन फार्मा का मंथली चार्ट है। मार्क्सन फार्मा ने एक ऑलरेडी अच्छा रैली दिया था 10 रुपीज़ से लेके 59 और 60 रुपीज़ तक। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि ऑलरेडी स्टॉक इतना चल गया है अभी और कितना चलेगा, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। स्टॉक 58 लेवल पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी रिसेंटली वो लेवल को उसने ब्रेक किया है। अगर ये स्टॉक 58-59 रुपीज़ पे रहता है तो मेरा जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 110 का है, और मैं इसमें स्टॉप लॉस रख सकता हूँ 48 का। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आप देखो तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है मार्क्सन फार्मा। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसका नाम है मारुति। अगर आप मारुति का चार्ट ध्यान से देखो तो अगेन ये मारुति का वीकली चार्ट है, एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। देखो कभी भी जो पैटर्न हमें बुक्स में मिलती है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा, बहुत रेयर केसेस होता है जहाँ पे वो एग्जैक्ट सेम पैटर्न रिफ्लेक्ट करता है। पर यहाँ पे जो मारुति का आप लोग चार्ट देख रहे हो ये वीकली चार्ट है, इसने ऑलरेडी 7730 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है। इसका जो मेरा अपसाइड पोटेंशियल है वो 9500 है, उसके बाद हम लोग एक 10,000 का भी लेवल देख सकते हैं, और अगर ये 6950 को ब्रेक कर देगा तो ये वीक हो जाएगा। तो अगेन मारुति आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप भी प्लीज़ आपका व्यू इसके अंदर शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है भारत फोर्ज। अभी भारत फोर्ज का भी आप चार्ट देखोगे तो अगेन ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे हम लोगों को बुक्स में बताते हैं वैसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को रियल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल चार्ट्स में भी वैसा मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिख रहा है, पर अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दो दो शोल्डर दिखेंगे, मतलब एक शोल्डर नहीं दिखेंगे, टू काइंड ऑफ शोल्डर मिलेंगे, दैट्स ओके, बट आपका वो पैटर्न इससे मिलता जुलता है। अभी देखो भारत फोर्ज में मेरा ट्रेड ये रहेगा कि अगर ये 545 के ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 700-750 रहेगा, और अगर आप इसको परचेस करते हो तो और 490 के नीचे ये चले जाता है तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, तो वो चीज़ पर ध्यान दीजिए। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है जो हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट स्टॉक है वो है LTTS। अभी ये स्टॉक के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले अपने वीडियो में बताया भी था और यही सेम चीज़ बताया था, पर मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी ये शायद ये वीक में ये स्टॉक शायद ब्रेकआउट कर सकता है। अभी तक इसने ब्रेकआउट किया नहीं है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 1830 के ऊपर होने वाला है। इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 2600 का है, और अगर ये स्टॉक 1600 को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वापस से वीक हो जाएगा। तो अगेन मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि अभी भी ये स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, पर मैं इसको इसके लिए ध्यान में रखूंगा क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल के पास आके अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। तो LTTS आप लोग आने वाले वीक में ध्यान दीजिए, अगर ये 1830 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। अगर आप लोगों को भी कोई अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आने वाले वीक में, तो आप मेरे ट्विटर आईडी में शेयर कर सकते हो। मेरा ट्विटर आईडी है VijayTHK। और अगर आप लोगों को मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप में ज्वाइन करना है जो आने वाले 11 जन को स्टार्ट होने वाला है, ये पूरे का पूरा ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगा। इसमें जो टाइमिंग है वो 7:30 PM से लेकर 9:30 PM तक का है, तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो। मेरे वेबसाइट में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 6 डेज ऑनलाइन वर्कशॉप के बारे में मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं वर्कशॉप के अंदर क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ, मतलब कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो और मेरे वेबसाइट से वो चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक बॉक्स सर्विस सब्सक्राइब करनी है तो आप यहाँ पे भी उसके बारे में डिटेल देख सकते हो। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे आने वाले वीक में एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे लग रहे हैं। अभी आप लोगों को भी अगर कोई ऐसे स्टॉक है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले वीक में अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं भी वो स्टॉक देखना चाहता हूँ कि वो स्टॉक कौन से है। अगर आप लोग मेरे साथ वो चार्ट शेयर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मेरा ट्विटर आईडी शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे ट्विटर आईडी में भी शेयर कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक आइडिया शेयर करता हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी करना हो तो इसके पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कर लीजिए, उसी के बाद ये स्टॉक के अंदर कुछ भी एक्शन लेना। जनवरी मंथ में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 6 डेज का रहेगा, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। इसमें मैं आप लोगों के साथ ये सारी टेक्निक शेयर करूंगा, जो मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं, मैं किसी भी चार्ट का टारगेट और कैसे भी स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करता हूं, ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन वर्कशॉप अगर ज्वाइन करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को नंबर भी फ्लैश कर दूंगा, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे फोन करके भी बात कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आप सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप बेल आइकन दबाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है, उससे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।